हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विवेकी पुरुष के द्वारा शुद्ध मन से निष्कर्म के द्वारा जिनको प्राप्त किया जाता है ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करना है। निष्कर्म का अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी जी करते हैं भक्ति योग। जैसे भागवत के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में नारद जी के बारे में कहा गया है, तंत्रम सात्वत माचष्ट निष्कर्म्यम कर्मणाम जता। भक्ति योग को निष्कर्म कहा जाता है। जैसे भगवान ने गीता में अकर्म शब्द का प्रयोग किया, अकर्म का अर्थ है भक्ति योग। भक्ति योग भगवान की भक्ति के भाव से प्रेरित होकर के जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म नहीं होता है, वो बंधन नहीं डालता है, बंधन में नहीं डालता है, वह निष्कर्म है। और उसके भाव को निष्कर्म कहते हैं, जो कर्म बंधन से मुक्त कर दे, मुक्ति दे दे, उसको निष्कर्म कहते हैं। तो भक्ति योग है निष्कर्म। जो विद्वान पुरुष है, विवेकी है, वह भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, भगवान उसे प्राप्त होता है। प्रतिलभ्य, प्रतिलभ्य का अर्थ है कि वह भगवान को देखता है और भगवान उस भक्त को देखते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की सेवा में किया हुआ कोई भी कार्य कर्म नहीं है, वो निष्कर्म है। जैसे मान लीजिए भगवान जगन्नाथ देव के लिए कोई माला बना रहा है, माला बनाना लोक दृष्टि से कर्म है, लेकिन वो माला बनाने में सुई लेना, डोरा लेना और एक एक फूल को गुथना इस भाव से कि भगवान को पहनाना है, यह कोई कर्म नहीं है, यह मुक्ति से भी बढ़ करके वह जीव का स्वाभाविक कर्म है जो उसका स्वरूपानुबंधी है। यही होना चाहिए भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव। या भगवान के लिए कोई पका रहा है, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई गा रहा है, कोई उनका ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, इसको निष्कर्म कहा गया है शास्त्र में। तो निष्कर्म के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा विद्वानों के जो विद्वान है वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। वही दिदृक्ष जैसे पदम सुमंगलम, वही भाव है कि भक्ति योग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।